गया गगन, कांप गई पवन, नीरज के प्रताप से, इंद्रधनुषी चाल से, गड़ गया भाला, लाल के हुंकार से, भाले के प्रहार से। ये चंद लाइनें समर्पित हैं विश्व एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा को, क्योंकि चंद्रयान की सफलता ने भारत को इतनी बड़ी खुशी दे डाली कि पूरा हिंदुस्तान तिरंगे के रंगों से सराबोर हो गया। वहीं दूसरी खुशी विश्व एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान के खाते में उस वक्त डाल दी जब उसने 88.17 मीटर का थ्रो करते हुए भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप इतिहास का पहला गोल्ड दिलाया। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ओलंपिक गोल्ड, डायमंड लीग में गोल्ड और अब विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड स्टार जेवलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को खेलों में भी चांद पर पहुंचा दिया है। भारत के लिए आन बान और शान माने जाने वाला नीरज एथलेटिक अब क्वालिफाइंग में भी टॉपर पर रहा, तो हर किसी ने उम्मीद लगाई हुई थी कि पिछली बार की कमी इस बार पूरी हो जाए। जैसा सबने सोचा वैसा ही हुआ। नीरज ने 88.17 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप इतिहास में पहले भारतीय बन गए हैं, जबकि ये तीसरा मेडल, इससे पहले उन्होंने सिल्वर अपने नाम किया था। इसके अलावा लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इवेंट का सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नदीम और ब्रॉन्ज मेडल चेक रिपब्लिक के याकूब के नाम रहा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को खेलों में भी चांद पर पहुंचाने वाले नीरज की शुरुआती उम्मीद के अनुसार नहीं थी। उसका पहला थ्रो फाउल रहा, जबकि जर्मनी के जूलियन वेवर 85.79 मीटर भाला फेंक कर सबसे पहले स्थान पर थे। लेकिन जब नीरज ने दूसरा अटेम्प्ट लिया तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। इंडिया के स्टार ने भाला फेंकने के बाद उसकी तरफ देखा ही नहीं, मानो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये थ्रो सबसे बेस्ट है। इस बार उन्होंने 88.17 मीटर का थ्रो किया था जिसने गोल्ड मेडल उनके नाम किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के थ्रोअर अरशद नदीम 87.82 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने ये तीसरे अटेम्प्ट में आंकड़ा छुआ था। इसके साथ ही जूलियन नीचे खिसक गए, क्योंकि चेन रिपब्लिक के पांचवें राउंड में याकूब वेदलेंच ने भी 86.67 मीटर का भाला फेंका था और इसी के साथ वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे। अरशद ने आगे निकलकर ये पूरा प्रयास किया, लेकिन वो चौथे राउंड में 87.15 मीटर और छठे राउंड में 81.86 मीटर का ही भाला फेंक सके। उनका पांचवा अटेम्प्ट फाउल रहा। फाइनल समाप्त होने के बाद नीरज ने नदीम को गले लगाकर बधाई दी। भारत के स्टार नीरज सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के बीच सबसे अलग दिखाई दे रहे थे। भारत के अन्य दो एथलीट किशोर जैना ने ऐसा पहली बार हुआ था जब जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए इंडिया के 3 एथलीटों ने क्वालिफाइड किया था। प्राची चौधरी के साथ पंकज यादव, न्यूज वॉच इंडिया।